पेपर सॉल्व कर रहे थे जिहड़ा कि पी ट्रिपल एस बी नाल आलमोस्ट मिलते ही है पेपर कंसैप्ट भी मिलते हैं क्योंकि कई बार असी पी ट्रिपल एस बी के पेपर च सानू अजीब जे सवाल मिल जाते हैं ना कि आह सवाल कित्थों आ गया तो असल चो की हुंदा है वो असल च प्लस टू लैवल तक की सोशल स्टडीज़ चो जां अजीब जे सवाल हुंदे है सो ये सवाल सीधे सीधे किन्ना बच्चों को टारगेट करने चाहिए है जेडे जाता पी ट्रिपल एस बी का पेपर पी पी एस सी योजे सवालों घट ही उलझदा है जां पी ट्रिपल एस बी तो जहाँ वैसे कॉन्सैप्ट सारे पी पी एस सी है जेडे पी पी एस सी या यू पी एस सी की तैयारी करते हैं उन्हां वास्ते आ कॉन्सैप्ट बहुत ईजी ने बिकॉज वो महात्मा गांधी नूं बहुत डीपली पढ़ते हैं बट मास्टर कैडर लैक्चरार ते पी ट्रिपल एस बी लिए सीधे सीधे वन लाइनर ने ठीक है असल च जदों असी पूरी पॉलिटी पढ़ते हैं ना पी ट्रिपल एस बी के पेपर की तैयारी वास्ते तो असं यहोजी गल्लां छड़ जाने आने बहाने क्वेश्चन के रूप से ही सानू यह मिलती हैं कितने जिमें असी ये 25 सवाल बड़ी जल्दी डिस्कस करांगे कहिंदा इन्हां चों किहड़ा कॉन्सैप्ट आ जिहड़ा गांधी जी नाल मिलता जुलता जां गांधी जी जिस ते चलते सीगे ठीक है सिंडीकेट सिस्टम एवें दा कोई सिस्टम महात्मा गांधी सोशलिज्म महात्मा गांधी का कॉन्सैप्ट समाजवाद नहीं सीगा सगों समाजवाद तो बाहरों आया हुआ कॉन्सैप्ट सीगा जिहड़ा कार्ल मार्क्स का कॉन्सैप्ट सीगा इस तो बिना कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद यह भी कॉन्सैप्ट बाहरों आया हुआ सीगा आउटसोर्स सीगा यूरोप का महात्मा गांधी जिस कॉन्सैप्ट यकीन करते दो तीन कॉन्सैप्ट तो महात्मा गांधी के बड़े मशहूर ने सर्वोदया सबदा भला सर्वोदया महात्मा गांधी का बड़ा फेमस कॉन्सैप्ट आ सर्वोदया सर्वोदया के यह कि तुम ना जिन्ना लोगों गरीबों लिए कर सकते हो करो सबदा भला करो तो महात्मा गांधी के जिहड़े चेले से ना विनोबा भावे उन्होंने तो सर्वोदया का कॉन्सैप्ट पूरी दुनिया पूरे इंडिया च फैलाता सी महात्मा गांधी की डैथ 1948 की 30 या 31 जनवरी होंगी है उस तो बाद कॉन्सैप्ट सर्वोदया हर गरीब का भला इनू लैके जिहड़े विनोबा भावे महात्मा गांधी के फॉलोअर आ पूरे इंडिया च फैलते हैं तो दो लहर शुरू करते दो मूवमेंट्स एक मूवमेंट का नाम से ग्रामदान कि भई अमीर लोगो अपने पिंडा दे पिंड ही दान कर दो ते एक भूमदान कि अपनी भूमि दान करो वो अड गल आ कि लोगों ने दान पुन कमाउण वास्ते अपन रौले वाली जमीन दान करतियां दूजिया अपने कोल रख लिया पर फिर भी कुछ तो करिया तां जिहड़े विनोबा भावे आ उन्हां दी इसे गल तो खुश हो के एशिया का नोबल प्राइज़ किया जाने वाला रमन मैगसेसे अवार्ड मिले उन्हां नूं पेपर च यह भी पूछा जाता है कि एशिया का नोबल प्राइज़ किया जाने वाला रमन मैगसेसे अवार्ड पहले किहड़े भारती नूं मिलिया सीगा तो वह विनोबा भावे नूं उन्हां दी भूदान मूवमेंट करके मिलिया सी ते विनोबा भावे महात्मा गांधी के चेले सीगे ते विनोबा भावे सर्वोदया के कॉन्सैप्ट लैके महात्मा गांधी के सर्वोदया के कॉन्सैप्ट लैके सब के भला के कॉन्सैप्ट लैके जिमें आप पंजाबी एक शब्द बोलते हैं सरबत का भला उस कॉन्सैप्ट लैके पूरी दुनिया च गए थे जां पूरे इंडिया च गए सी पर इस सवाल च तो यहोजा कुछ भी नहीं इस सवाल च एक शब्द लिखिया ट्रस्टशिप महात्मा गांधी ट्रस्टशिप के भी बहुत तगड़े एडवोकेट सीगे तुसी कहोगे वट इज़ ट्रस्टशिप ट्रस्टशिप का मतलब आ अमानतदारी अमानतदारी का मतलब यह हो गया ट्रस्टशिप का मतलब यह हो गया तुसी ना शायद ये घटना सुनी हो जे मैं मॉडर्न हिस्टरी पढ़ाऊँगा तो उदो एक गल का जिक्र करूँगा कि महात्मा गांधी ने ना 1935 तो बाद जदों महात्मा गांधी नूं पता लग गया कि हुण देश आजाद होने वाला है तो महात्मा गांधी की करते हैं आ जिन्हें भी अपने तगड़े तगड़े बिजनेसमैन ने टाटा बिरला जमशेद सिंह टाटा हो गए जा परशोत्तम दास बिरला हो गए ये तगड़े तगड़े जिहड़े वो सी ना मतलब कि अफस वो सीगे बिजनेस हाउसेस सीगे इंडस्ट्रियल हाउस सीगे लॉबियां सी वड्डियां इन्हां नूं महात्मा गांधी बुलाउंदे आ ते इन्हां दी एक संस्था बनवाउंदे आ फीकी FICCI ताजो ये महात्मा गांधी कहिंदे सी कि जिहड़े अमीर लोग हुंदे आ ना समाज दे ये ट्रस्टी ने इन्हों के सिर पर ही समाज चल सकता जे ये भला कर सोच लैणगे ना तो समाज का भला हो जूगा महात्मा गांधी की सोच सी कि असली एक ट्रस्ट दुनिया एक ट्रस्ट समाज एक ट्रस्ट तो वो मुख ट्रस्टी कौन ने अमीर लोग जे वो इस ट्रस्ट च कुछ पाउणगे तो गरीबों थोड़ा थोड़ा वंडिया जाऊगा तो उन्होंने गरीबी दूर हो सकती है महात्मा गांधी के इस कॉन्सैप्ट ही ट्रस्टशिप कहा गया महात्मा गांधी का दिता हुआ कॉन्सैप्ट ट्रस्टशिप किसी को कोई डाउट आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट आ महात्मा गांधी नाल रिलेटड दो गल्लां सुनाईयां मैं तुहानू एक महात्मा गांधी का कॉन्सैप्ट ट्रस्टशिप तो एक महात्मा गांधी का कॉन्सैप्ट सर्वोदया गल्लां गल्लां च सवालों चो निकलता यदा आंसर आ गया डी आ जाओ जी अगले सवाल पर कहिंदा लिबरलिज्म
ठीक है। लिबरलिज्म का पंजाबी मतलब होंदा है उदारवाद, ठीक है। उदारवाद का एक सिद्धांत आ, ठीक है। कहिंदे उदारवाद दे विच इंसान की की खासियत होंदी है, जां इंसान उदारवाद की थ्यूरी जिहड़ी आ उह इंसान नूं किवें दा दसदी है। कहिंदे उदारवाद एक अजिही थ्यूरी आ, लिबरलिज्म एक इहो जी थ्यूरी आ जिहदे च एक इंसान तों इह उम्मीद कीती जांदी आ कि तू साइंटिफिक होवेंगा, तू तर्कवादी होएगा, इंग्लिश कह दी रैशनल होएगा, अपने तर्क के आधार पर अपनी आजादी की गल, अपने हकों की गल करेगा। जे तुहानू पेपर च आ जाए कि लिबरलिज्म का जिहड़ा सिद्धांत आ, लिबरलिज्म की जिहड़ी थ्यूरी आ, आइडियोलॉजी आ, उदारवाद की जिहड़ी थ्यूरी आ, वह एक इंडिविजुअल नू एक व्यक्ति विशेष तो की उम्मीद करती है कि वह इंसान आजाद होवे, वह इंसान जिहड़ा है वह सुपरस्टिशियस होवे, अंधविश्वासां यकीन रखता होवे, वह रैशनल होवे कि सैल्फिश होवे। तां वह असल दे विच लिबरलिज्म की थ्यूरी का मतलब लिबरल होने नाल ज़्यादा नहीं गा, रैशनल होण, तर्कवादी होने नाल लिबरलिज्म का सिद्धांत। क्योंकि इहदे नाल की आ, मैं नहीं कहिंदा कि लिबरलिज्म वर्गियां थ्यूरियां तुहाडे सिलेबसां च ने, पर एक गल आ, एक इंट्रोडक्शन जी आ, कल पेपर दे विच ऑप्शन आ जाए कि लिबरलिज्म की हुंदा है तां तुसीं टिक भी कर सको थोड़े, इहदे नाल क्वेश्चन की डिस्कशन के नाल चार गल पता ही लगती है। नैक्सट उस तो अगली गल, जे तुहानूं किसी ने कहा कि कला वर्ग संघर्ष की गल, क्लास स्ट्रगल की गल किने की सी, मैं हमेशा कहना हूं कि 1750 के अराउंड एक थ्यूरी आई सी कैपिटलिज्म पूंजीवाद, जिन्हों एडम स्मिथ लैके आया सी आपकी किताब वैल्थ ऑफ नेशनस, जेदे चो गल करता सी कि भाई अमीर जे अमीर होगा तो उहदा कुछ तुबका गरीबों भी मिलेगा। उन्हें उहदे वास्ते एक सिद्धांत दिता सी इनविजिबल हैंड, कि भाई जे सपोज करो एक अमीर बहुत वड्डी यूनीवर्सिटी बनाऊंगा ना, तो उस यूनीवर्सिटी च मैस च रिक्शे वालियां नूं ते होर पोचे वालियां नूं गरीबां नूं भी काम मिलेगा। एक अमीर नूं होर अमीर होण तों उहनूं अमीर होण तों रोको ना, गरीबां दा वी भला उहदे च ही आ। इस थ्यूरी नूं 100 साल बाद ही वो लग गई सेंद लग गई, जो 100 साल बाद पता लग्या कि जेड़े अमीर अमीर हो रहे हैं ना वो गरीबों का खून पसीना निचोड़ रहे हैं। 1850 इस थ्यूरी के फेल होने का पता लग गया सबनों, तो इस थ्यूरी के फेल होने का पता कितों लगा, जो पूरा यूरोप का समाज, क्योंकि ये सारिया थ्यूरियां यूरोप दियां है, जो पूरे यूरोप का समाज दो वर्गों च वंड गया, एक अमीर एक गरीब। यूरोप के अमीरों को कहा गया बोरजुइज, तो गरीबों को कहा गया प्रोलेटरियत। तो एक क्लास डिफरेंस, क्लास डिफरेंस का मतलब वर्ग के फासला, तो इन दोवां वर्गों च आपस च लड़ाई स्ट्रगल संघर्ष हो गया। फिर इस संघर्ष से एक बंदा किताब लिखता है, तो वह कहता है कि समाज च सारे अमीर तो गरीब एक बराबर होने चाहिए आ, अमीर तो खो के गरीबों दे दिता जाए, अमीर सारी प्रॉपर्टी दान कर देनी चाहिए आ, त्याग कर देनी चाहिए आ। त्याग तो अंग्रेजी होंगी है कम्यून, कम्यून तो बनया कम्यूनिज्म, ते कम्युनिज्म दी थ्यूरी वास्ते उस बंदे ने जिहड़ा सिद्धांत दिता उहनूं कहा सोशलिज्म समाजवाद। कहिंदा इहदे नाल होऊगा कि समाज दा भला, समाज एक बराबर होऊगा। इह जिहड़ी सोशलिज्म ते कम्युनिज्म दी थ्यूरी सी इह दित्ती किहने सी, कार्ल मार्क्स ने। कदों दित्ती सी, कैपिटलिज्म दे थ्यूरी तो 100 साल बाद 1850 दे अराउंड, अपनी किहड़ी किताब च दास कैपिटल, जिहदे च उहने कैपिटलिज्म दा विरोध कीता सी, पूंजीवाद दा विरोध। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म दे विरोध च ही 100 साल बाद आई दास कैपिटल, जिहड़ी कि पूंजीवाद दा विरोध करदी आ, ते किहदी गवाही भरदी आ, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद जां कम्युनिज्म यानी कि सामवाद, ये आलमोस्ट इक्को जिहियां गल्लां है। तां इहदे च सब तो वड्डी गल कीती गई आ कि जी अमीरां ते गरीबां दे विच फर्क आ, कहिंदा क्लास स्ट्रगल आ, कहिंदा अमीर ते गरीब च बहुत फर्क आ। इसे क्लास स्ट्रगल, इसे किताब दा ते इसे कार्ल मार्क्स दा ते उहदा इक साथी सी एंजल्स, ठीक है, फैडरिक एंजल्स। इन्हां दोवां ने मिल के, दोवें जर्मन दे ही सीगे, ठीक है, वह अड्ड गल आ कि इन्हां दे, इन्हां दा जिहड़ा फैन बनिया ना बाद च बंदा, वह जर्मन दा नहीं सीगा, उह सी रशिया दा लेनिन, जिन्हों इन्हां दोवां दी गल बड़ी जच गई, ते वह काम, वह इस सामवाद नूं, इस सोशलिज्म नूं, कम्युनिज्म नूं, कामरेडवाद नूं जर्मन तों चक के कित्थे लै गया, रशिया च लै गया। तो इन की थ्यूरी के दम से वह बंदे ने रशिया के राजे का तख्ता पलट करता से 1917 च, पर यह दोवें जर्मन के सी, ठीक है। जिहड़ा कार्ल मार्क्स वह तो तर्क से बड़ा गल करता सी, उहदा जिहड़ा सोशलिज्म सी ना, उहदा जिहड़ा समाजवाद सीगा वह बड़ा साइंटिफिक समाजवाद सीगा, वह इस गल तक भी आ जाता सीगा कि एक एक बंदा मशीन थोड़ा है, वह हफ्ते के 7 दिन किवें काम करेगा, सोशलिज्म ना असल च समाजवाद नहीं सीगा, सोशलिज्म नूं तां लोक साइंटिफिक सोशलिज्म कहिंदे आ।
वो कहिंदा सी बंदा मशीन किवें हो सकता है, सत्त दिन किवें कम कर सकता है, मशीन भी सत्त दिन कम करूगी हफ्ते च तां खराब हो जूगी। इस करके वो कहिंदा सी हफ्ते च एक दिन की छुट्टी चाहिए है। संडे की छुट्टी का कंसैप्ट भी इस दुनिया नूं सोशलिज्म चों मिलिया है। सैटरडे संडे की छुट्टी का कॉन्सैप्ट सानूं सोशलिज्म दे कॉन्सैप्ट चों निकल के आया साडा, ठीक है। मतलब मैं तो जिहड़े सरकारी नौकर बनते हैं ज सरकारी नौकरियां करते हैं उन्होंने तो घर कार्ल मार्क्स की फोटो ला लेनी चाहिए है कि जे कार्ल मार्क्स ना होंदा तो ना ऐतवार की छुट्टी होंगी तो ना शनिवार की छुट्टी होंगी। दुनिया नूं तो ऐं लगता सीगा कि सत्त दे सत्त दिन ते हफ्ते दे तीह दे तीह दिन महीने दे काम वास्ते ही बने आ। तां उहदा जिहड़ा साइंटिफिक सोशलिज्म सी ना उह किते आम सोशलिज्म तों भी परां हट के सीगा। खैर जे कोई मैनूं पुछे कि क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष की गल किस ऑथर ने की है तो किन्ने की है कार्ल मार्क्स ने कित्थे की है अपनी किताब च, किताब का नाम की है दास कैपिटल, कदों लिखी गई है 1850 दे अराउंड, किहदे विरोध च लिखी गई है कैपिटलिज्म दे पूंजीवाद दे, पूंजीवाद कदों लिखी गई है 1750 दे अराउंड, किन्ने लिखी और थ्यूरी दिती है एडम स्मिथ ने जिन्हों फादर ऑफ इकनोमिक्स किया जाता है, उहदी किताब का नाम की सीगा वैल्थ ऑफ नेशन, उहदी थ्यूरी का नाम की सी इनविजिबल हैंड जिहदे च उहने दस्सिया सीगा कि अमीरां दा भला कर दो गरीबां तक आपे पहुँच जूगा। मैं मेरा मकसद बहुत ज़्यादा कंसैप्ट क्लीयर करने की बजाय इतने पता की है क्वेश्चन्स ते टारगेट करना कि यार जे एवें दा क्वेश्चन आ गया उहदे ते आ टिक ला दिओ, ये आ गया बस सवालों नूं मैं स्टोरी की फॉरमैट च रख रहा ता जो पेपर च आए हुए सवाल ते किते नंबर ना कट्टे जाण। साइंटिफिक सोशलिज्म ते फोकस करन वाला कौन सी, दो जाने सीगे फैडरिक हैगल ते एक कार्ल मार्क्स, पर इन्हां चों ज़्यादा जिस बंदे ने फोकस किया साइंटिफिक सोशलिज्म ते तर्क के आधार पर गल करके कहा सीगा कि सानू इन्नियां छुट्टियां चाहीदियां है, गरीबी अमीरी दे विच फर्क चाहिए फर्क आ जिहड़ा उहनूं खत्म करना पऊगा, वह शख्स कौन सीगा कार्ल मार्क्स। नैक्सट उस तो बाद अगे आ जाओ, ठीक है। उहदा क्लोज एसोसिएट कौन सी कार्ल मार्क्स का, फैडरिक एंजल्स, ये तो पढ़ाया होया मैं कि दोवे ने मिलकर साइंट सोशलिज्म की गल की है, बट जी मेन गल हुई है वह किन्ने की है साइंटिफिक सोशलिज्म की, जेडे बंदे ने सोशलिज्म जिदे करके सोशलिज्म पूरी दुनिया च प्रमोट होया कौन सीगा कार्ल मार्क्स। इस करके कार्ल मार्क्स के जेडे सोशलिस्ट आ ना जेडे फॉलोअर ने उन्होंने लोग सोशलिस्ट घट कहते हैं, समाजवादी घट कहते हैं, मार्क्सिस्ट ज्यादा कहते हैं। वो अड गल आ कि जेड़ा मार्क्स का जोड़ा समाजवाद सीगा वो बाद च उहदे चेलियां ने थोड़ा थोड़ा बदलता, जेड़े मार्क्स दे चेले लैनिन सीगे उन्होंने जेड़ा मार्क्स नू थोड़ा जा बदल के समाजवाद की परिभाषा दित्ती ते जिन्हां नू ओ जच गया वो अपने आप नू लैनिनिस्ट कह दिंदे सी। जेड़े लोग चाइना दे राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति माओ दे मगर लग गए क्योंकि माओ भी समाजवादी सीगा, पर माओ दा समाजवाद एवें दा सीगा कि जेड़ा उहदी गल नहीं सी सुणदा उहदे गोली मार दो, जे तुहानू हक नहीं मिले तुसीं अपने विरोधियां दे गोली मार दो। ते जेड़े माओ दे मगर लगन वाले समाजवादी सी उह अपने आप नू माओइस्ट कहिंदे सी, की कहिंदे सी माओइस्ट। ते भारत दे विच सुणिया होणा तुसीं एक शब्द माओवादी, भारत दे विच जिहड़ा अतवाद के कई रूप देखण नूं मिले आ, एक तो पंजाब का खाड़कूवाद हो गया, असाम का बोडोज़ हो गए, पर पंजाब च सब तो खतरनाक जिहड़ा भारत सब तो खतरनाक अतवाद रहा है जिन्हें भारत नूं पूरे भारत दीयां 11-12 स्टेटां नूं बर्बाद करके रखता, वह सी माओवाद जिहड़ा लैफ्ट कामरेडां दी पॉलिटिक्स चों निकल के आया होया है, जिहदे च इह कहा जांदा सीगा कि द पावर फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ गन कि असली ताकत तां बंदूक दी नाली चों निकलदी है। तां उहनां ने अपने नाल होए धक्केशाही नूं किसानां ने अपने नाल होए धक्केशाही नूं एक आर्म स्ट्रगल का एक हथियारबंद विद्रोह का रूप देता, तो वह असल च है सारे सोशलिस्ट आ, पर वो सोशलिस्ट ने जिहड़े किहदी थ्यूरी नूं मन्नदे अगे जाके माओ की थ्यूरी नूं, क्योंकि माओ भी समाजवादी सी पर कार्ल मार्क्स ने किसी नूं मारन वास्ते थोड़ा कहा सी, वो तो उहदे अगले चेले ने मारन वास्ते जां हथियार चक्कण की सलाह देती है। खैर ये सारिया गल्लां पता होनिया चाहिए है। फैडरिक एंजल्स ते कार्ल मार्क्स दोवें जर्मन दे सी, इन्हां दोवां दे सिधांतां तो बाद अगे त्रोड़ मरोड़ के कई समाजवादियों ने अपने सिधांत दिते जिन्हां च लैनिन दे फॉलोअर लैनिनिस्ट, स्टैलिन दे फॉलोअर स्टैनलिस्ट, फिर उस तो बाद माओ दे फॉलोअर्स माओइस्ट हो जाते हैं, ठीक है। नैक्सट अगे अपने को आ गया हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब आ जिहड़ी महात्मा गांधी उदों लिखते हैं जदों महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका होंदे आ। हिंद स्वराज किताब दे विच एक महात्मा गांधी गल करदे आ एक इंसान की आज़ादी की स्वै राज की कि एक इंसान, महात्मा गांधी जदों साउथ अफ्रीका च सी ना तां उत्थे इंग्लैंड का राज सी, महात्मा गांधी हुणी उत्थे इंडिया वल्लों गए हुए सीगे,
ओबियस जी गल आ साउथ अफ्रीका भी अंग उन्हां दी अंग्रेजां दी कलोनी सी ते इंडिया भी तो साउथ अफ्रीका च इंडियनस ते होर बहुत बुरा इंडियनस ते होर कई गुलामां गुलाम देशां नाल इक्को जिहा माड़ा हाल हुंदा सी। इत्थों तक कि साउथ अफ्रीका च एक नोटिस जारी हो गया कि जिहड़े लोकां दे विआह शादी अंग्रेजी कल्चर नाल नहीं होए चाहे वह साउथ अफ्रीका दे लोकल ने चाहे साडीआं दूजीआं कलोनियां जिवें कि भारत चों आए आ सब दे सब विआह कैंसल हो गए। उस तों बाद उन्होंने उत्थे अंग्रेजां तों बिना सब नूं कहता कि तुहानू अपने हाथ च एक रजिस्टर सर्टिफिकेट फड़ना पऊगा गल च पाउणा पऊगा जां हाथ च फड़ना पऊगा तुहाडे तों मौके ते राह राज किते वी सबूत मंगिया जा सकदा कि तुसीं साडी गुलाम हो। तां इहो जिहीआं ह्यूमिलेशनस तों नूं जदों महात्मा गांधी ने फेस किया तां महात्मा गांधी उत्थे किताब लिखदे आ हिंद स्वराज कि घट्टो घट बंदे दा अपना राज होऊगा ते असीं किन्ने खुश होवांगे। हिंद स्वराज इज एसोसीएटड विद महात्मा गांधी। नैक्सट उस तों अगे आ जाओ सर्वोदया। सर्वोदया का कॉन्सैप्ट चलाया किने सीगा महात्मा गांधी ने ते महात्मा गांधी के किहड़े चेले ने सर्वोदया के कॉन्सैप्ट कि सब का भला हो जाए इस कॉन्सैप्ट पूरे भारत च फैलाया सीगा विनोबा भावे। विनोबा भावे फस्ट टू रिसीव किहड़ा अवार्ड रमन मैगसेसे ते विनोबा भावे ने किहड़ी मूवमेंट शुरू की है भूदान ते ग्रामदान ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ। नैक्सट ठीक है अगे अपने को आ गया महात्मा गांधी ड्राइव्ड हिज आइडियाज़ फ्रॉम महात्मा गांधी ने अपने विचार किस किस बंदे तो ले आ कहिंदा थैरू अमरसन टॉलस्टॉय के सारिया तो। महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका रेंदे सी ना तो टॉलस्टॉय एक रशियन ऑथर सीगा जिहदी एक किताब बड़ी मशहूर हुई है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस लड़ाई ते शांति वॉर एंड जंग ते शांति तो वॉर एंड पीस जिहड़ी सीगी वो टॉलस्टॉय की किताब सीगी। महात्मा गांधी वो तो इन्ने कु ज़्यादा प्रभावित सी कि वो नाम से साउथ अफ्रीका 1910 एक आश्रम ही खोलता सी। हिस्टरी पढ़ाया जाऊगा कि महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म कदों बनाया 1910। दूजी गल जदों महात्मा गांधी इंडिया आते हैं तुम सुनिया 1920 महात्मा गांधी एक मूवमेंट चलाते हैं नॉन कोऑपरेशन। 1930 महात्मा गांधी एक मूवमेंट चलाते हैं सिविल डिसओबीडेंस। 1940 के नेड़े 41-42 महात्मा गांधी एक मूवमेंट चलाते हैं अंग्रेजों भारत छड्डो क्विट इंडिया मूवमेंट। आ जिहड़ी विचकारली मूवमेंट सी ना महात्मा गांधी सी सिविल डिसओबीडेंस वो इस शख्स तो प्रभावित सी थौरी तो। महात्मा गांधी हमेशा एक गल करते 1937 महात्मा गांधी ने एक गल कही सी 1937 वो साल से जो भारत की आज़ादी सिर्फ 10 साल रह गए थे तो 1937 अंग्रेजों ने भारत तो इन्ना डर गए अंग्रेज कि उन्होंने भारत के लोगों को कहता कि तुम अपन चोणों च आप खड़ो भारत के सारिया स्टेटा च भारत के लोगों की सरकार बन गई सी तो ज़्यादातर भारत च कांग्रेस की तुम कहो आज़ादी तो पहले ही अंग्रेज इन्ना मन गए। हाँ जी 1937 जनरल इलैक्शन भारत स्टेटा के भारतीय लोगों की सरकार बन गई सी तो कहिंदे आ कि उदों जिहड़ियां जिहड़ियां स्टेटां च कांग्रेस की सरकार बनी सी ना उत्थे उत्थे महात्मा गांधी ने कहता सीगा कि आपां अपनी एजुकेशन नूं इस तरीके नाल करना है आपां अपनी एजुकेशन नूं इस तरीके नाल करना है कि उह लोकां नूं कम दे सके। महात्मा गांधी हमेशा इक्को चाहुंदे सी कि जिस दिन देश आज़ाद होया ना उस दिन हर बंदे दे हत्थ च कम होवे। महात्मा गांधी कदे नहीं सी चाहुंदे कि वड्डी इंडस्ट्री साडे देश च आवे उहनां नूं पता सी कि जे वड्डी इंडस्ट्री साडे देश च आई मशीनां साडे देश च आईआं साढ़े कारीगरां नूं कम नहीं मिलना क्योंकि इन्हां दे हत्थ दी कम दी कीमत नहीं रहनी। इस करके महात्मा गांधी लोकां नूं सैल्फ रिलायंस आत्म निर्भर होने की गल करते सी। ते मैं तुहानूं एक गल दसदा महात्मा गांधी ने आत्म निर्भर जानी कि सैल्फ रिलायंस होने की गल किस शख्स तो सीखी आ एक अमेरिकन ऑथर सीगे एमरसन। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਟੋਲਸਟੋਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਬਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ? 1954 'ਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ? 1954। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
अगला सवाल अपने को आ गया, ठीक है। नैक्सट अगला सवाल अपने को आ गया, भारत के राष्ट्रपति का नाम की है। फिलहाल यदा चलो इरेलीवेंट का क्वेश्चन सगा, ठीक है। नैक्सट भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम, हूँ इतों कुछ पी ट्रिपल एस बी टाइप सवाल जोड़े तेजे पेपर च आ सकते हैं। तुहानू पता भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम की सी? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन सी? जेडे भारत के तीजे राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन सी? हू डाइड इन ऑफिस, जिन्हों की अपने कार्यकाल के दौरान मौत हो गई, वह भी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के दो ही राष्ट्रपति ने जिन्हों की अपने कार्यकाल के दौरान मौत हो गई है, एक जाकिर हुसैन एक फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने 1975 च अमरजेंसी साइन किए? फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के किहड़े राष्ट्रपति है जिन्होंने अमरजेंसी हटाई सी, रिवोक की सी, इंग्लिश कहिंदे आ रिवोक करनी, कहिंदे जो अमरजेंसी हटाउणी सी उस तो 18 दिन पहला उन्हां दी मौत हो जाती है फखरुद्दीन अली अहमद की। तो उस समय देश के राष्ट्रपति सी बी डी जत्ती, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति सी, तो उस टाइम वो की बने हुए थे राष्ट्रपति, तो अमरजेंसी हटाई किन्ने आ? बी डी जत्ती ने। भारत के किन्ने राष्ट्रपति है जिन्हों की अपने कार्यकाल दौरान मौत हो गई है? हू डाइड इन ऑफिस, दो राष्ट्रपति ने, एक वीवी गिर, एक अपने की नाम उहदा जाकिर हुसैन, तो एक फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के किहड़े राष्ट्रपति ने जिहड़े वोटां की गिणती, तुहानू पता राष्ट्रपति दीआं वोटां दा एक बड़ा अजीब जिहा प्रोसैस हुंदा है जिहनू आपां कह दिंदे आ सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। तुहानू पता अज तक इक्को ही राष्ट्रपति आ जिहदीआं वोटां की गिणती दो बार काउंट हुई है, अदरवाइज़ सारे राष्ट्रपति पहली काउंटिंग च ही जित जांदे आ। इंडिया का इक्को एक राष्ट्रपति आ जिहड़े काउंटिंग तो बाहर जाके जितते आ, उह हैगे आ अपने वीवी गिरी, जिहड़े देश के चौथे राष्ट्रपति बने आ। भारत का कोई अजिहा राष्ट्रपति हैगा जिहदे खिलाफ कोई कैंडीडेट ही नहीं खड़िया तो अन अपोज्ड जित गया? 1977 दे विच जदों फखरुद्दीन अली अहमद की मौत हो गई तो बी डी जत्ती साडे देश के उपराष्ट्रपति बने आ, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने आ। तो उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने वास्ते राष्ट्रपति रह सकता है, उस तो बाद इलैक्शन होए तो एन संजीवा रेड्डी इलैक्शन च खड़े। एन संजीवा रेड्डी वह शख्स सी जिहदे खिलाफ कोई नहीं सी खड़िया, ही वाज द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत के इक्को मात्र इहो जिहे राष्ट्रपति ने जिहड़े अन अपोज जित गए। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन, भारत के पहले वूमेन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, तो होने वाले करंट राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद। तो हुण इलैक्शन चल रहे हैं राष्ट्रपति दे, देखो कौन साडे देश का अगला राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति नूं लैके फैक्चुअल क्वेश्चन मैं कवर करते हैं सारे, कि साडे देश इक्को एक शख्स आ, तुहानूं पता जदों देश दे राष्ट्रपति की मौत हो जाए तो राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। वह भी उस समय दौरान कोई हादसा जां इन्नी इक्की हो जाए तो फिर राष्ट्रपति कौन बनता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। 1969 च अचानक साडे देश दे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मौत हो गई तो उपराष्ट्रपति वी वी गिरी राष्ट्रपति बन गए। उस तो बाद राष्ट्रपति दे इलैक्शन आ गए, इलैक्शन तो होने सी, तो वी वी गिरी का दिल किया कि मैं क्यों ना इलैक्शन खड़ जा 69 वाले च, तो वह इस टाइम की सी राष्ट्रपति, तो किहड़े इलैक्शन खड़ना चाहते सी? राष्ट्रपति दे, राष्ट्रपति दे इलैक्शन हुंदे होए तुसीं राष्ट्रपति दे इलैक्शन खड़ ही नहीं सकते। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पोजीशन तो अस्तीफा देता, उपराष्ट्रपति भी खाली सी, राष्ट्रपति भी खाली सी, तो साडे एम हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीगे जिन्हों चीफ जस्टिस हुंदे होए राष्ट्रपति बनन दा मौका मिलिया। सो पेपरां च आने वाले सारे सवाल कि किहड़े दो राष्ट्रपति ने हू डाइड इन देयर ऑफिस, जिन्हों की कार्यकाल दौरान मौत हुई, किन्ने अमरजेंसी लाई, किन्ने रिवोक की, पहला दलित राष्ट्रपति पहली वूमेन राष्ट्रपति, सारे सवाल मैं थोड़े नाल डिस्कस करते हैं। आ जाओ जी अगे, क्योंकि ये सवाल ये पता कदों का ट्रेंड बनूगा, हूँ ये सवाल ट्रेंड चा ने क्योंकि पी ट्रिपल एस बी का पेपर हूँ नाइलेट ज नाम की संस्था को चले गया है, तो नाइलेट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है नाइलेट, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन पूछण का एक कारण कि पी ट्रिपल एस बी तो पी पी एस सी की तैयारी करने वाले बच्चों फर्क पाया जा सके, कि पी पी एस सी की तैयारी करने वाला बच्चा जे पी ट्रिपल एस बी की तैयारी करे तो वह घट्टो घट फैक्ट जरूर याद करे, जिमें इलैक्शन कानूगो का पेपर जोड़ा वो पी ट्रिपल एस बी देगा, ठीक वह नाइलेट का सगा, ए एस पी का पेपर नाइलेट का सी, फैक्ट बहुत आने लग पे। तो सो फैक्ट्स सानू इन्ने कु ज़्यादा याद होने चाहिए है, तो जे तुसी कह दो कि फैक्ट वाली किताब याद कर लो कदे भी नहीं, मजबूरी चा आ लैक्चर थोड़े सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा, सुनी जाओगे तो याद रह जाएंगे, होर कोई बहाना नहीं है फैक्ट याद कर, घर बह के स्पैशल लैक्चर सुनने जी नहीं करता कि कोर्स के पाठ के सुन लीए।
राष्ट्रपति की टर्म 5 साल, अमेरिका दे विच राष्ट्रपति की टर्म किन्नी होंदी है 4 साल। ठीक है, जिथे राष्ट्रपति प्रणाली होवे उत्थे राष्ट्रपति की टर्म 5 साल, तो इंडिया च किन्नी आ, सॉरी उत्थे 4 साल, तो इंडिया च किन्नी आ 5 साल। इंडिया दे विच राष्ट्रपति जिहड़ा है वह जिन्नी वार मर्जी रीइलैक्ट किया जा सकता है, पर अमेरिका दे विच राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार इलैक्ट किया जा सकता है। रशिया का पता नहीं, वो अपने संविधान को जरूरत के मुताबिक पुतिन को खुश करने वास्ते अमेंड कर लेंगे। आ कुछ इंपोर्टेंट गल्लां। नैक्सट कहिंदा भारत दे भारत देश का किहड़ा राष्ट्रपति किहड़ा आर्टिकल आ भारत के संविधान का जिहड़ा राष्ट्रपति की इंपीचमेंट की गल करता है। राष्ट्रपति की इंपीचमेंट कौन कर सकता है? राष्ट्रपति नूं गद्दी तो कौन हटा सकता है? दस सकदा कोई? संसद, पार्लीमेंट। तो पार्लीमेंट के राष्ट्रपति को हटाने वास्ते बिल किहड़े हाउस तो किहड़े सदन तो शुरू होंदा है? किसी भी सदन तो शुरू हो सकता। उस सदन च किन्ने जणियां नूं बिल स्टार्ट करना पवेगा? 25% नूं। किन्ने परसेंट नूं? 25% नूं। उस तो बाद किन्ने लोग उहदे हक च वोट पाउण कि बिल पास हो जाए? टोटल दा 2/3 के भला, कुल दा 2/3। ये होर कितें नहीं लोड़ पैंदी। संविधानक सोध करने वास्ते भी अमेंडमेंट करने वास्ते भी 2/3 के चाहिए होंदा सी भला, प्रेजेंट दा। पर राष्ट्रपति नूं हटाउण वास्ते के 2/3 चाहिए है? टोटल दा 2/3 चाहिए। स्पैशल गल है। तो राष्ट्रपति नूं हटाउण दा प्रोसैस पहला एक हाउस चो बिल पास, फिर राष्ट्रपति के खिलाफ इनकुआरी, 3 जजां दा पैनल बहिंदा है, राष्ट्रपति नूं 14 दिनां दे अंदर अंदर पेश होना पैंदा है, फिर दूजे हाउस चो बिल पास हुंदा सेम प्रोसीजर नाल। कित्थे लिखिया होया है? संविधान च। ते संविधान दे किहड़े आर्टिकल च लिखिया है? आर्टिकल 61। संविधान का आर्टिकल 52 कहिंदा है कि देयर शैल बी प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होवेगा। तो आर्टिकल 61 कहिंदा है कि राष्ट्रपति नूं इंपीच भी किया जा सकता है। तो राष्ट्र संविधान का आर्टिकल 72 कहिंदा है कि राष्ट्रपति लोगों की सज़ा माफ़ भी कर सकता है। मोटे तौर पर 3 आर्टिकल पेपर च ठा बजते हैं, रटे होने चाहिए है, बाकी तो हौली हौली प्रैक्टिस के नाल आ ही जाते हैं। आर्टिकल 52 देश का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 राष्ट्रपति दीआं कार्यकारी शक्तियां कि उहदा कौंसल ऑफ मिनिस्टर नाल की संबंध है, कौंसल ऑफ मिनिस्टर नाल। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति की चोण, राष्ट्रीय पर 56 राष्ट्रपति की टर्म 5 साल होगी। राष्ट्रीय आर्टिकल 57 राष्ट्रपति नूं रीइलैक्ट किया जा सकता है जिन्नी बार मर्जी। राष्ट्रपति 58 कि राष्ट्रपति बनने वास्ते तुहाडी क्वालिफिकेशन पता की होनी चाहिए है? घट्टो घट 35 साल उम्र, भारत के नागरिक। तीसरी क्वालिफिकेशन बड़ी खतरनाक आ, इन्हां दोवां चों दस्सियो किहड़ा ऑप्शन सही आ। तुसी लोक सभा दे मैंबर होने चाहिए हो, दूजी ऑप्शन तुसी राज्य सभा दे मैंबर होने चाहिए हो, तीसरी ऑप्शन तुसी लोक सभा दे मैंबर होने दे लायक होने चाहिए हो, कि चौथी ऑप्शन तुसी राज सभा दे मैंबर होने दे लायक होने चाहिए हो? तीसरी, तुसी लोक सभा दे मैंबर नहीं होने चाहिए, यू मस्ट बी एलीजिबल एज ए मैंबर ऑफ लोक सभा। 35 साल उम्र ते भारत दे नागरिक। ते तीजी गल ए आर्टिकल 60 कि राष्ट्रपति नूं सौं खवाऊगा देश दा चीफ जस्टिस। कौन खवाऊगा? चीफ जस्टिस। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति दी इंपीचमेंट, आ खास आर्टिकल बहाने नाल याद भी कराते मैं तैनू। हाँ जी, कहिंदा साडे देश दा राष्ट्रपति एमरजेंसी नूं यूज़ कर सकदा है किहड़े आर्टिकल दे तहत? याद रखियो, जदों कदे पेपर च एमरजेंसी की गल आ जाए, वैसे तो मैं पढ़ाउणी एमरजेंसी, ठीक है, जदों पेपर दे विच एमरजेंसी की गल आ जाए, कोई दस सकदा एमरजेंसी नाल संबंधित आर्टिकल केड़ा पाठ केड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, किहड़े पाठ दे विच एमरजेंसी आ? पाठ 18, ठीक है, पाठ 18 है शायद, जिहदे च एमरजेंसी आर्टिकल 352 तो 360। देश दे विच 3 प्रकार की एमरजेंसी की गल की गई है, 1 352, 1 356, 1 360। 352 का मतलब आ नैशनल एमरजेंसी, राष्ट्रीय एमरजेंसी। तुसी दस सकते हो कि साढ़े देश च, क्योंकि ये मास्टर कैडर का पेपर आ, इत्थे कंसैप्ट नालों ज़्यादा मैं फैक्ट्स ते फोकस करूँगा। ये PSSB सीधे सीधे काम आउणगे। सवाल पहला कि इस देश च पहली बारी नैशनल एमरजेंसी कदों लगी सी? इस देश च पहली बारी नैशनल एमरजेंसी लगी सी जदों साडी देश च पहली बारी चाइना नाल लड़ाई होई आ। कदों भला? 61, 62 च, 62, दूजी बारी 65 च, फिर 71 च। पर असल च तुहानूं पता नैशनल एमरजेंसी साडे देश च किन्नी वार लगी आ, पर मशहूर कहड़ी होई आ? 75 वाली, जिहड़ी इंदिरा गांधी ने लाई सी। नैशनल एमरजेंसी 3 ग्राउंड ते लगदी सी पहलां। एक, साडे देश दी बाहर किसे नाल जंग लग जाए, वॉर। दूजा, एक्सटरनल अग्रैशन, बाहरों लड़ाई का माहौल पैदा हो जाए, दूजा कारण। तो तीजा,
थोड़े एक इंटरनल डिस्टरबेंस देश का माहौल खराब हो जाए। पहलियां तीन क एमरजेंसियां 62-65 वाली तो कारण पता लग ही गया, 75 वाली मशहूर तो हुई है क्योंकि वह कहदे ग्राउंड से लगी सी, इंटरनल डिस्टरबेंस अंदरूनी माहौल खराब हो गया सीगा। तो देश अंदरूनी माहौल खराब होना किनू कहांगे, ये प्रधानमंत्री की मर्जी सी, तां करके इंदिरा गांधी बदनाम हो गई सी। जदों बाद च मरारजी देसाई की सरकार आई ना, पहली नॉन कांग्रेसी सरकार आई है 1977 दे विच, उन्होंने की किया आर्मड रबैली इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन चो डिलीट करता, तो उसकी जगह पर पता की लिखता आर्मड रबैलीयन, कि जदों तक देश का माहौल इन्ना नहीं खराब हो जाता कि लोग हथियार नहीं चक लेंदे उदों तक एमरजेंसी नहीं लग सकती। नैशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 कोई डाउट, आर्टिकल 356 की कहता है, पहला 356 तो पहला 55 पढ़ा दा, कि देश दियां सूबियां दियां सरकारां स्टेट गौरमेंट्स सेंटर के अकॉर्डिंग चलनगियां। तो आर्टिकल 356 की कहता है कि जे स्टेट गौरमेंट्स सेंटर के अकॉर्डिंग ना चलियां तो सेंटर उस स्टेट कैड़ी एमरजेंसी ला दूगी, स्टेट एमरजेंसी। स्टेट एमरजेंसी का मतलब आ प्रेजिडेंट रूल, उत्थे राष्ट्रपति शासन लग जूगा, उत्थे सारा कंट्रोल सेंटर सरकार के अंडर हो जूगा। जे देश दे विच वित्ती संकट आ जाए, फाइनैंशियल क्राइसिस आ जाए, तो फिर इस देश चलाई जा सकती है कि एमरजेंसी, फाइनैंशियल एमरजेंसी। एक बार भारत ने सोचा सी 91 जो देश का पैसा मुक चलिया, अदरवाइज कभी फाइनैंशियल एमरजेंसी की लोड़ पई नहीं, फाइनैंशियल एमरजेंसी कदे भी नहीं लाई। यदा आर्टिकल कि 360, तीन आर्टिकल याद रखियो एमरजेंसी, 52, 56, 60 आ जाओ अगे। इतने कि एमरजेंसी है, एमरजेंसी प्रोविजनस कॉन्स्टिट्यूशन के किड़े आर्टिकल चलाई जा सकती है, 52, 56, 60। जे क्या होंगे नैशनल एमरजेंसी 52, जे स्टेट एमरजेंसी यानी कि प्रेजिडेंट रूल फिर 56, तो जे फाइनैशियल एमरजेंसी जे 60, तो जे कल ही एमरजेंसी क्या फिर ऑल ऑफ दीज। चली अगे नैक्सट, उस तो बाद अगे आ जाओ, साढ़े देश का किड़ा प्रधानमंत्री है जिन्हें पार्लीमेंट भी फेस नहीं की। मैं हमेशा कहना हूं कि साढ़े देश के पहले प्रधानमंत्री कौन सके, पंडित नहरू। 1964 जो पंडित नहरू की मौत होंगी है ना, 1964 जो पंडित नहरू की मौत होंगी है, तो उन्हों की जगह पर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्हों की जगह उन्हों की मौत होंगी है तो इंदिरा गांधी। तुहानू पता सारा इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 एमरजेंसी लाती, 77 दे विच इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी हटवाती। उस तो बाद इस देश चोणां होईयां ते छोटियां छोटियां पार्टियां मिलके एक पार्टी बन गई, नाम सीगा जनता पार्टी, ते चोण निशान की सीगा हल, ये भी गल्लां याद रखियो। ते उस इलैक्शन दे विच कई छोटियां छोटियां पार्टियां बनियां, ते एक सरकार जनता पार्टी की बनी, ते उस जनता पार्टी की सरकार जिहड़ी सी उहदा मुख लीडर पता कौन सी, मेन लीडर सी जयप्रकाश नारायण। वह आप प्रधानमंत्री नहीं बनया, वह कहिंदे मैनू मंत्री पोजिशन नहीं चाहिए, वह सैड ते हो गए, ते प्रधानमंत्री बने मुरारजी देसाई, जिहड़े किसी पुराने टाइम के कांग्रेसी सीगे बट इंदिरा गांधी तो नाराज़ होकर वह भी अड्ड हो गए। मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो डिप्टी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि असल च की आ जो छोटिया छोटिया पार्टियां जित के एक सरकार बनाउंदियां है ना, उदों एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक दूजे वाले बंदे नूं खुश करन वास्ते डिप्टी प्रधानमंत्री लाउणा पैंदा है। तो डिप्टी प्रधानमंत्री किनूं लाता, चौधरी चरण सिंह नूं। 1.5 साल बाद चौधरी चरण सिंह नूं किसी ने फीलिंग दवाती कि तू मुरारजी देसाई की सरकार डिग दे ते आप प्रधानमंत्री बन जा। वो राष्ट्रपति नूं जाके चिट्ठी दे आया कि मेरे को 272 तो वध MLA है, MP है सॉरी लोग सभा दे, तां उन्हें मुरारजी देसाई ने अस्तीफा देता, तो प्रधानमंत्री कौन बन गया, चौधरी चरण सिंह, जिन्हां ने मगरों चुक के भेजा सीगा कि असी तेरे नाल आ, तू जाके प्रधानमंत्री बने जा एक बार। तो राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री तो मैं तेनों अज ही ला दिना, बस तू लोग सभा दे विच बहुमत साबित कर दी। जिस दिन लोग सभा च बहुमत साबित करना सी उस दिन वो मुकर गए, यानी कि वो जिहड़ियां ने वो कहा सीगा। इस करके चौधरी चरण सिंह बारे कही जाती है गल कि देश का इको एक प्रधानमंत्री आ जिहड़ा प्रधानमंत्री दा बन गया, पर अपने प्रधानमंत्री होण नूं कित्थे नहीं साबित कर सकिया लोग सभा च। ही वाज दी ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हू नैवर फेस्ड लोग सभा, देश का इको एक प्रधानमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री होने तो बाद लोग सभा भी नहीं फेस कर सकिया, वह कौन सी भला, पहला प्रधानमंत्री वह कौन सीगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये गल याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ने जिहड़े अपने पेपर च आ सकते हैं। हाँ, ये भी गल याद रखियो, जिहड़े साडे देश दे पहले प्रधानमंत्री सीगे पंडित जवाहर लाल नहरू, वह 15 अगस्त 1947 नूं देश दे प्रधानमंत्री बने। पर तुहानूं पता जदों देश के प्रधानमंत्री बने 15 अगस्त 1947 उदों साढ़े देश वोटां नहीं सी पईआं, साढ़े देश पहली बारी वोटां पईआं 51 दे अक्तूबर तो लैके 52 दे फरवरी तक,
भारत के पहले इलैक्शन कमिश्नर सू कुमार सेन ने वोटा पवाईया तो पहलिया वोटों तो बाद पंडित नहरू 1952 प्रधानमंत्री बने हैं। जे कोई पेपर च पुछे कि पंडित जवाहर लाल नहरू पहली बारी प्रधानमंत्री कदों बने तो तुसी कहना 15 अगस्त 1947। तो जे पेपर च पुछया कि पहली बार चुने हुए प्रधानमंत्री कदों बने तो अप्रैल 1952 जिस दिन लोग सभा के इलैक्शन तो बाद उन्होंने सहु खाधी है। दूजी बार प्रधानमंत्री बने 52 च, तीजी बार 57 च, चौथी बार 62 च 62 च। पर जे कोई मैनू कहे कि चुने हुए किन्नी बार बने 3 बार, ओवरऑल नहरू किन्नी बार प्रधानमंत्री बने आ 4 बार। तो जे कोई किसी ने पेपर च यह पूछ लिया कि साडे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू किस हल्के तो इलैक्शन लड़ते सी, ये वैसे तो किसी ने नहीं पूछा पर UPSC ने पूछा हुआ IAS के पेपर च। उन्होंने एक ऑप्शन बनाई सी कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंडित जवाहर लाल नहरू, ही वाज इन फोर्थ टेन्योर वैन ही डाइड, कि जदों उन्हां दी मौत हुई कि वह चौथी टेन्योर च सी, ठीक है। कि दूजी ऑप्शन उन्होंने एवें दी बनाई सी कि वह उन्होंने अपने सारे इलैक्शन फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो लड़े आ, यह भी बिल्कुल सही है। UP दे विच इक हलका हुंदा सी फूलपुर, पंडित जवाहर लाल नहरू हमेशा फूलपुर तो ही चोणां लड़दे सी। आ गल्लां बहुत इंपॉर्टेंट ने, यह किसी ना किसी होर पेपर च फैक्ट बेस्ड आ सकदियां जिहड़ियां UPSC दे पेपर च एक स्टेटमेंट दे रूप च आई है ना, एक किसी होर पेपर च सीधा फैक्ट बन के आ सकती है कि नहरू कितों चोणां लड़े तो फूलपुर तो। पर फिलहाल इस सवाल का जवाब सब नूं पता लग गया ना, इंपॉर्टेंट गल सीगी बिकॉज जो आप कर रहे हैं ना। हाँ जी, अगली सवाल, भारत के डिप्टी प्रधानमंत्री। वैसे मैं एक गल दसा, जे तुहाडे चो किसी ने मेरे को कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स टैक्निकली पढ़िया हो, भारत के कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स दे विच एक गल लिखी आती है कि भारत के कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स जिहड़े है ना उन्हां दी गिणती किन्नी होगी प्रधानमंत्री समेत 15%, किन्नी होगी प्रधानमंत्री समेत 15%। सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम ते पुडुचेरी, दिल्ली नूं लैके कुछ एक्सेप्शन्स ने, पता ही है सारिआं नूं 15% गिणती होगी। हुण रौला ये पै गया, सुप्रीम कोर्ट च एक केस गया, कहिंदे जी अजकल प्रधानमंत्री दे नाल एक नवा पोजिशन क्रिएट करती है डिप्टी प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री दा ते कॉन्स्टिट्यूशन च कितें जिक्र ही है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दुविधा सीगी कि की डिप्टी प्रधानमंत्री की पोस्ट नूं खाली कर दिता जाए, खत्म कर दिता जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक प्रधानमंत्री होगा, उहदे नाल बाकी मंत्री होणगे, उन्हां मंत्रियों नूं कपड़ा मंत्री कहना है कि रोणा मंत्री कहना है कि हसदे मंत्री कहना है कि लक्कड़ मंत्री कहना है कि कुर्सी मंत्री कहना है कि उन्हां नूं फूड मंत्री कहना है, इहदे च साडी कोई मतलब नहीं। भावें कोई उन्होंने डिप्टी प्रधानमंत्री कहे, भावें फूड मंत्री कहे, भावें इनवायरमेंट मंत्री कहे, असी की कर सकते हैं। इस करके असी इस पोजिशन को खत्म नहीं कर सकते, इस करके साडे देश च डिप्टी प्रधानमंत्री की पोजिशन भी हैगी है। जे किसी ने डिप्टी प्रधानमंत्री बनना हो, साडे देश जो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने ना पंडित जवाहर लाल नहरू, उस टाइम सरदार पटेल देश के डिप्टी प्रधानमंत्री से, याद रखियो पहली बारी प्रधानमंत्री के नाल डिप्टी प्रधानमंत्री उदों बने। दूजी बार जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी सी नहरू की मौत तो बाद, शास्त्री की मौत तो बाद, इंदिरा गांधी के नाल एक बंदा कांग्रसी नाराज हो गया सी, मुरारजी देसाई, वो अड्ड गल आ कि बाद चो इन्ना नाराज हो गया कि पार्टी छड्ड के विरोधी पार्टी वालों प्रधानमंत्री भी बन गया, पर उदों नाराज हो गया इस करके उन्हें खुश करने वास्ते डिप्टी प्रधानमंत्री लाया। 1977 जो पहली बार नॉन कांग्रसी सरकार आई तो अपने मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो डिप्टी प्रधानमंत्री बने से उदों कौन, चौधरी चरण सिंह। उस तो बाद जो विश्वनाथ प्रताप सिंह VP सिंह की सरकार आई उदो चंद्र 1989 जो इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की सी उदो डिप्टी प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। बाद च अटल बिहारी वाजपेई की सरकार आई तो डिप्टी प्रधानमंत्री बने लाल कृष्ण अडवाणी। साडे देश च प्रधानमंत्रियों के नाल उप प्रधानमंत्री बने रहे हैं, प्रधान उप प्रधानमंत्रियों के नाल उप प्रधानमंत्री बने रहे हैं। याद रखियो 1999 तो लैके 2004 तक, हुण तां नहीं, 1999 तो लैके 2004 तक साडे देश दे प्रधानमंत्री सीगे अटल बिहारी वाजपेई। अटल बिहारी वाजपेई तो बाद 2004 तो लैके 14 तक प्रधानमंत्री रहे आ मनमोहन सिंह, उदों कोई डिप्टी प्रधानमंत्री नहीं सी। 1999 तो लैके 2004 तक अटल बिहारी प्रधानमंत्री, तो डिप्टी प्रधानमंत्री कौन सी, लाल कृष्ण अडवाणी। 1988 तो लाल कृष्ण अडवाणी 1988 तो 89 तक साढ़े देश के प्रधानमंत्री सीगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो डिप्टी प्रधानमंत्री सी चंद्रशेखर। 77 तो लैके 78 तक मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री सी, तो चौधरी चरण सिंह की सीगे डिप्टी प्रधानमंत्री।
शुरू च 1947 तो लैके 1951 तक जदों तक उहदी पटेल साहब की मौत नहीं हुई उदों तक प्रधानमंत्री सी नहरू ते डिप्टी प्रधानमंत्री कौन सीगे पटेल सरदार पटेल 66 तो लैके 67 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी ते खुश करन वास्ते किन्नू डिप्टी प्रधानमंत्री लाउणा पिया मुरारजी देसाई नू फैक्ट याद करो क्योंकि आपां जदों अपने रैगूलर लैक्चर करांगे ना उहदे च मैं फैक्ट्स नू लैके इन्ना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता शायद लोड़ भी नहीं होवे पर मैं आने बहाने ये लैक्चर चाहना कि सारे बच्चे सुनन इन्हां नू ये कह के खारज ना कर दिता जाए कि ये PSSSB का सिलेबस नहीं गा सब इंस्पैक्टर का जां किसी पेपर खोल के देख लो सब इंस्पैक्टर का पेपर खोल के देख लो तुसी PSSSB का जिहड़े नाइलेट ने लए आ हू वाज द फस्ट वूमेन इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इस सवाल इलैक्शन कानून 2021 के पेपर च आया होया है जिहड़ा कि PSSSB ने लिया सी ते नाइलेट ने कंडक्ट करवाया सी ये फैक्चुअल सवाल ने आ जाओ जी अगे पंजाब का गवर्नर कौन हुण वाला पंजाब का गवर्नर कौन आ वह अड्ड गल मैं इतों नहीं हूँ मैं दस सकता तो तुहानू पता ही है सारयां याद रखियो जदों भारत आजाद होया प्लीज़ मेरी गल सुनो जदों भारत आजाद होया तो मैं ना दो हिस्सों च कर लैंदा अपने सवाल नू आजादी तो बाद ते आजादी तो पहला तुसी मैनू 3-4 सवालों के जवाब देने मैं सिर्फ आजादी तो बाद वाले सवालों की गल करदा कोई दस सकता कि 1947 जदों भारत आजाद होया आजादी तो बाद पंजाब का पहला गवर्नर कौन सीगा आजादी तो बाद पंजाब का पहला गवर्नर सबनों पता है चंदू लाल त्रिवेदी तो आजादी तो पहला बाद आजादी तो पहला सी एयान जेंकिंस की नाम सीगा एयान जेंकिंस तो आजादी तो बाद पहला केड़ा सीगा चंदू लाल त्रिवेदी उस तो बाद गवर्नर पता कदों मशहूर हो जाता पंजाब का दूजा गवर्नर पंजाब का उदों मशहूर होंदा है जदों पंजाब के 3 हिस्से किए गए 31 अक्तूबर ते 1 नवंबर 1966 की रात वेले उस टाइम पंजाब के गवर्नर होना सी उज्जवल सिंह ने पर उज्जवल सिंह नू पंजाब नू तोड़न तो पहला पहला पंजाब के गवर्नर की पोजिशन तो हटा के धर्मवीरां नू पंजाब का गवर्नर ला दिता जाता है किनू ला दिता जाता है धर्मवीरां नू बस मैं या मैं फैक्ट याद कराने तुसी 4 गवर्नर याद कर लियो पंजाब दी सब तो पहला गवर्नर 1947 च आजादी तो बाद जदों पंजाब वंडिया गया 3 हिस्सों च उस टाइम पंजाब दा गवर्नर 1956 जदों पैपसू पंजाब च मर्ज होया उदों पंजाब दा गवर्नर ते 1984 दा जदों इंसीडेंट पंजाब च होया उस टाइम पंजाब दा गवर्नर ते पंजाब दा ओ गवर्नर जिहदी टन्योर दिनां दे विच सी ते बहुत छोटी सी बहुत फैक्टुअल क्वेश्चन आए ते सब तो वड्डा गवर्नर सब तो वध टन्योर कट्टण वाला पंजाब दा गवर्नर ते एक करंट गवर्नर बस आह फैक्ट आ तुसीं अपने आप इन्हां दे नाम लिख लियो मैं तां इन्हां चों दस ही सकदा क्योंकि मैं तां याद करी बैठा हूँगा पर मेरे याद नहीं तुहाडे याद करे नाल तुहानूं फायदा होगा ये गवर्नर दे नाल रिलेटड सवाल ने जिहड़े मैं तुहानूं चाहुंदा कि तुहाडे पता होण कहिंदा पंजाब च किन्ने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने लोक सभा दे 13 ते राज सभा दे 7 ते कुल पार्लीमेंट दे मैंबर किन्ने आ जी 20 ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन सीगा नैक्सट उस तो बाद इन्हां चों किहड़ा हाउस पंजाब च नहीं गा इन्हां चों किहड़ा हाउस पंजाब दे विच नहीं हैगा विधानसभा विधान परिषद राज्य सभा के जिला परिषद सवाल पाउण वाले की बेवकूफ़ी आ कि अजीब गल आ इहदा तो कोई मतलब ही नहीं बनता इररेलीवेंट सवाल आ बस तुसीं मैनूं इह दसो इहदे चों मैं सवाल अपने मतलब दे नाल कढ लैंदा पंजाब दे विच जदों अंग्रेज़ भारत च आए अंग्रेज़ां ने पंजाब नूं कब्जे च कीता 29 मार्च 1849 नूं 29 मार्च 1849 वो तरीक आ जदों दलीप सिंह तो सारा कुछ इत्थे लै लिया गया तो 1853 च दलीप सिंह नूं सिख तो क्रिश्चन बना दिता गया फतेहगढ़ साहब तो उस तो बाद उन्हूं उत्थों बॉम्बे भेज दिता गया तो बॉम्बे तो उन्हूं इंग्लैंड उस तो बाद पंजाब दे ये तो हो गया पंजाब की स्टोरी पर मैं पंजाब बारे 5 गल्लां करनियां हुण पंजाब दी विधानसभा बारे पंजाब दे राजनीतिक ढांचे बारे वो 5 दियां 5 गल्लां तुहाडे जां तां कापी च घरे जाके नोट करियां हुण जदों तुसीं लैक्चर नूं दुबारा सुणोगे क्योंकि ये फैक्ट तुहानूं लभणे नहीं किते 1849 च जदों पंजाब नूं अंग्रेज़ां ने अपने कब्जे च कीता ना ते पंजाब दे विच हकूमत वास्ते कंट्रोल करन वास्ते एक बोर्ड बनाता सी कहिंदे आ उहनूं कहा बोर्ड ऑफ प्रेजिडेंसी जिहदा प्रधान किहनूं लाया गया सीगा हैनरी लॉरेंस नूं ते 2 उहदे मैंबर सीगे चार्ल्स मैंसल ते 1 जॉन लॉरेंस 2 मैंबर ते 1 प्रधान प्रधान कौन सी हैनरी लॉरेंस 1851 च चार्ल्स मैंसल नूं कढ़ता रौला पै गया उहदी जगह ते एक मैंबर बदलता चार्ल्स मैंसल एक मैंबर सी ना उहनूं बदल के करता किहनूं भला मोंटैगरी नूं किहनूं करता मोंटैगरी
पंजाब दे विच दो ही अंग्रेज है जिहड़े मशहूर होए आ, एक लॉरेंस जॉन लॉरेंस ते एक मोंटैगरी। पाकिस्तान दे अद्धों ज्यादा पिंडां दे शहरां दे नाम मोंटैगरी दे नां ते आ, ते अमृतसर वाले पासे अद्धों ज्यादा गलियां ते स्कूलां दे नाम लॉरेंस स्कूल आ, उह जॉन लॉरेंस दे नाम ते आ। दो ही बंदे मशहूर होए आ। 1853 च हैनरी लॉरेंस जिहड़ा उस बोर्ड दा प्रधान सी ते जिहड़ा जॉन लॉरेंस उहदा मैंबर सी, दोवें सके भरा सी, आपस च बणी नहीं। जिहड़ा उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल अंग्रेज सी, उन्हें लाया साहब डलहौजी ने कि ये एक दूजे का सिर पाड़नगे। उन्हें की किया, हैनरी लॉरेंस कहिंदे आ ना जदों किसी की लिखी होवे उहदी रोक नहीं सकदा, हैनरी लॉरेंस नूं पंजाब चों ट्रांसफर करके कानपुर भेजता, कि कानपुर कहता सॉरी लखनऊ भेजता। तो 1857 के विद्रोह च जो क्रांति होगी, हैनरी लॉरेंस लखनऊ च मारिया जाऊगा। किस्मत सी हुण की कर सकते हैं। पंजाब दे विच की किया, बोर्ड भंग करता, तो पंजाब नूं कहता कि ये तीन बंदियां कोलों नहीं चलना, किसी एक दे हाथ दे दो। 1853 च पंजाब नूं बनाता कमिश्नरेट, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस, अज दे हिसाब नाल यूनियन टैरिटरी। तो पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर 1853 च किनू लाया गया? जॉन लॉरेंस नूं। 1857 च पूरे भारत च बगावत हुई, कल्ले पंजाब च नहीं हुई। वजह, जॉन लॉरेंस की पंजाब च इमेज इन्नी पॉजिटिव सी, 1858 तो उन्हें शाबाश मिली कि तेरे पंजाब का स्टेटस चकता, पहला तू यूनियन टैरिटरी सी, हुण तेनू अद्धी स्टेट का दर्जा देता, पंजाब का स्टेटस थोड़ा जिहा चकता, तो चीफ कमिश्नर का नाम बदल के रखता लैफ्टीनेंट गवर्नर। तो पंजाब का पहला लैफ्टीनेंट गवर्नर कौन बनया? फिर जॉन लॉरेंस। 1861 विच कहा गया कि पंजाब दे विच विधान परिषद बनाई जाऊगी, हुण जाने के पंजाब दे जिहड़े मैंबर ने पंजाब च चुने जाणगे। 1861 च एक एक्ट आया, इंडियन कौंसल एक्ट, इच कहा गया कि फलाने 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 सूबे च विधान परिषद बनूगी, लैजिसलेटिव कौंसल, उहदे च पंजाब दा भी नाम सी। पर किड्डे तेज अंग्रेज सीगे, 1861 च एक्ट पास किया, तो जे पेपर च आ गया कि पंजाब च लैजिसलेटिव कौंसल कदों बनी आ, तो तुसीं इहदा टिक लाउणी आ 1897। किहड़े साल बनी आ? 1861 च सलाह बनी आ, ते बनी कदों जाके? 1897। फिर आया 1919 का कानून। 1919 के कानून तो पहला कौंसल के मैंबर ही नहीं सी चुने जाते। 1919 च पहली बार कौंसल दियां वोटां पईयां, ते पहली बारी पंजाबियों नूं मौका मिलिया लैजिसलेटिव कौंसल के मैंबर बनन दा। ते नाले एक गल होर, 1919 दे एक्ट च भी कह दिता गया कि हुण पंजाब लैफ्टीनेंट गवर्नर प्रोविंस नहीं होगा, पंजाब का स्टेटस होर चक दो, हुण तो बाद पंजाब का मुखी लैफ्टीनेंट गवर्नर नहीं होगा, हुण तो बाद पंजाब का मुखी कौन होगा? गवर्नर। 1922 दे विच पंजाब नूं पहला गवर्नर मिलिया, उहदा नाम एडवर्ड कुछ नाम आ, मैं भुल गया, जियांस जां कुछ एवें, हाँ जी नहीं नहीं एयान कुछ आ, एक तो एयान जेंकिंस आ, उहदा नाम कुछ एडविन नाम आ। 1922 दे विच पंजाब नूं पहली वारी गवर्नर मिलिया। फिर आया 1935 दा एक्ट, कहिंदे पंजाब च एक सदन थोड़ा है, पंजाब नूं बाई कैमरल कर दिता गया, लैजिसलेटिव कौंसल तां पंजाब च पहला ही सी, ते 1935 दे एक्ट ने पंजाब च एक दूजा सदन बनाता, लैजिसलेटिव असैम्बली, ते पंजाब एक सदन तो किन्ने सदनां वाला हो गया? दो। पंजाब बाई यूनी कैमरल तो की बन गया? बाई कैमरल। तां 1947 च पंजाब आजाद हो गया, भारत आजाद होया, तो पंजाब भी आजाद हो गया। जदों पंजाब आजाद होया उस टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री सीगे खिजर खान टिवाणा, की नाम सीगा? खिजर खान टिवाणा, ते एयान जेंकिंस पंजाब दे लास्ट गवर्नर। देश आजाद होया ते पंजाब दे पहले मुख्यमंत्री बने गोपी चंद भार्गव, ते पहले गवर्नर बने चंदू लाल त्रिवेदी। आजादी तो बाद 1952 च चोणा हुई, चोणा वेले पंजाब दे चोणा तो बाद पहली वारी पंजाब नूं चुनिया होया मुख्यमंत्री मिलिया। तो किस्मत सुनो, पंजाब दा पहला चुनिया होया मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव नीगा, पंजाब दा पहला चुनिया होया मुख्यमंत्री कौन? भीम सचर सेन, 1952 च। वैसे ये गल्लां मैं पढ़ाऊँगा नहीं हुण, उहदी वजह है क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा तुहानूं ये गल्लां पंजाब दे क्वेश्चनां च, उत्थे भी आया होया है। पर एक गल दसो, आने बहाने आपां जिहड़ी डिस्कशन कीती है ना कि पंजाब च लैजिसलेटिव कौंसल कदों आई, ये सारे फैक्ट ने जिन्हें गौर नाल सुने आ। ये सवाल जिहड़े मैं आ जिहड़ा मैं सवाल पुछे कराया ना, ये सवाल मैं नैब साहिब तहसीलदार दी टैसट सीरीज़ च भी पाया सी, ते डायरैक्ट तीन लाइनां दे विच्चों एक लाइन उहदी पेपर दे विच भी आई सी कि पंजाब कदों बाय कैमरल होया, कि 1919 दे एक्ट नाल, 35 दे एक्ट नाल। ये नैब तहसीलदार दा सवाल सीगा, जीके दे 80 सवालों चों एक सवाल ये भी सीगा कि पंजाब कदों बाय कैमरल होया। सवाल किस रूप च कित्थे आ जाए असी सोच भी नहीं सकते यार, कई बार आ जाओ बिना इस सवाल नूं कैंसल समझो, बिकॉज कोई कहे कि इन्हां चों पंजाब च की नहीं गा, यार कोई कहे राजसभा भी तो इंडायरैक्टली पंजाब च हैगी भी या नहीं भी हैगी, बेतुका जिहा सवाल बनाता इहदा कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो नैक्सट अगे आ जाओ, पंजाब भारत च किन्नियां स्टेट्स ने, इग्नोर करो अगे।
कॉन्स्टिट्यूशन दे पंज तो लैके ग्यारह तक की है, तुहानू समझ गए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला भाग एक तो चार आर्टिकल यूनियन एंड इट्स टैरिटरी, दूजा भाग पंज तो ग्यारह की है भला सिटीजनशिप, तीजा बारह तो पैंती की है भला फंडामेंट राइट्स, चौथा छत्ती तो इकवंजा की है भला डी पी एस पी, पंजवा इकवंजा ए की है भला फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आप इन चीज़ों का आप बिल्कुल भी टाइम डिस्क खराब नहीं करना, आप सवाल पूरे करने हैं। कहिंदा 2003 कलॉज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इन्हों चो कि कलॉज 2003 भारत च इंट्रोड्यूस किया गया सीगा। देखो एक गल बहुत क्लीयर आ, बहुत इंपॉर्टेंट गल दसदा, तुहाडे चो कईयां इस गल का शायद ना पता होवे, मैं ना एक एक पार्ट बारे थोड़ी जी जानकारी दे दा कॉन्स्टिट्यूशन दे एक पार्ट बारे। ये बारे ना तुहाडे चो 90% नू पता हुंदा है पर वो गलती कर जांदे आ, वो संविधान का भाग आ दूजा जिन्हों आपां कहिंदे आ सिटीजनशिप। मेरा कंसर्न इस सवाल नाल नहीं, उस सवाल नाल जिहड़े तुहाडे मास्टर कैडर ते पी ट्रिपल एस बी दे पेपर च पुछे जाने आ। उस सवाल की आ, सवाल का जवाब दो, भारत च नागरिकता कौन तय करता है, हु डिसाइड्स अबाउट सिटीजनशिप इन इंडिया, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी सेंटर सरकार, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट के, ऑप्शन डी पार्लीमेंट। भारत दे विच सिटीजनशिप बारे कौन डिसाइड करता है, भारत दे विच सिटीजनशिप किन्नू देनी है किन्नू नहीं देनी, इस गल का जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट आऊगा। बड़ी इंपॉर्टेंट तो टैक्नीकल गल आ, इत्थे मैं हमेशा कहना भारत के संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान के पार्ट दो आर्टिकल पंज तो लैके ग्यारह दे विच साफ लिखा होया है कि पंज छे सत्त अठ नौ नू छड़ दिता जाए तो दस ते ग्यारह पेपर चाहूगा सिटीजनशिप नाल रिलेटड पार्ट कहड़ा है, तुसीं कहना दो, पेपर चाहूगा आर्टिकल कहड़ा है तो तुसीं कहना पंज तो ग्यारह, तो जे पेपर च आ गया कि इस देश सिटीजनशिप नू लैके कौन लॉ बनाऊंगा, लॉ बनाऊंगी पार्लीमेंट, मैं नहीं कह रहा, यह आर्टिकल 10 ते 11 पता की कहता है कि इस देश च नागरिकता नू लैके कानून सिर्फ कौन बना सकती है पार्लीमेंट, तो जिहड़े पार्लीमेंट का एक्ट बनाया होया है उहदे च पता की लिखा है कि नागरिकता बारे कौन डिसाइड करूगा, सेंटर गवर्नमेंट। इट मीनस जे पेपर च आ गया कि पार्लीमेंट नाल संबंधित लॉ कौन बना सकदा बारे संबंधित रूल्स कौन पास कर सकता जां एक्ट कौन पास करता है तो सिर्फ पार्लीमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन च नहीं मैनशन। पर जे किसी ने कहता कि किसी बंदे की नागरिकता इंडिया की हैगी है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करूगा, ये पार्लीमेंट नहीं डिसाइड करूगी, ये कौन डिसाइड करूगा, सेंटर गवर्नमेंट। जिवें सपोज करो जजा कि तनखाह देनी है, ये कौन तय करूगा, जजा की सैलरी वास्ते एक एक्ट बनया है, जे जज की सैलरी 70,000 तो 71,000 भी करनी है ना सेंटर सरकार नहीं कर सकती, पार्लीमेंट चो लॉ पास होगा। इट मीनस जजा की सैलरी कौन वधा सकता है, पार्लीमेंट। पर जे पेपर च आ गया कि सिटीजनशिप बारे कौन डिसाइड कर सकता तो कौन करूगा, सेंटर गवर्नमेंट। बस आ दो गल्लां सीगियां, हुण गल आ जाओ सिटीजनशिप नू लैके लॉ कित्थे पास हुंदे आ, पार्लीमेंट च। सिटीजनशिप नू लैके पहली बारी लॉ पास होया सी 55 मीनस 1955 फिर उन्होंने पहली बार अमेंड किया गया 87 दूजी बार अमेंड किया गया 92 तीजी बार अमेंड किया गया 2003 फिर 2005 हुण रौला पै गया कि जो 2003 च उन्होंने अमेंड किया गया बदलिया गया उस की चेंज लिया गया। उस तो पहला भारत के सिटीजनशिप के लॉ के ना इको गल लिखी सी कि भारत के लोग जिहड़े पी आई ओज ने परसन ऑफ इंडियन ओरिजन ने। 2003 तो बाद एक नवा किस्सा भारत के संविधान सिटीजनशिप एक्ट च जोड़िया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कि जेड़े भारत के लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने। सो असल दे विच की आ उस तो पहला पी आई ओ ते ओसीआईज इन्हां दोवां दा ही जिक्र नहीं सीगा प्रॉपरली सिटीजनशिप दे एक्ट च, इन्हां दोवां दा जिक्र पी आई ओ दा ते ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दा जिक्र पहली बार 2003 दे कानून च आया सीगा। ते मैं तुहानूं दसदा इन्हां नूं फायदा पता की आ, ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया या पी आई ओ का मतलब हुंदा परसन ऑफ इंडियन ओरिजन कि भारत च जन्मे बाहर दे नागरिक, तो ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब आ वो लोग जिहड़े भारत च जन्मे आ तो उन्होंने बाहर दी नागरिकता ले ली। तुहानू मेरिया कई दो गल्लां च कोई फर्क पता लग्गिया नहीं, है भी नहीं, इस करके कहिंदे जदों गल च ही कोई फर्क नहीं हैगा फिर पी आई ओ ते ओ सी आई इक्को ही बंदे नू कहा जावे, ये वो लोग ने जिहड़े इस टाइम भारत के नागरिक नहीं गे। पर जे भारत के नागरिक ने की है भारत च वोट पा सकते हैं,
नहीं पा सकते, पर इन्हों इना मोह भारत नाल बहुत आ। इस करके जे ये भारत वल आउण चार पैसे दे के जाणगे, खुश हो के कुछ खरीद के जाणगे, इस करके भारत की सरकार इन्हों लालच देन वास्ते इन्हों थोड़ियां जिहा वध सहूलतां दिंदी आ फॉरनर्स तों। इस करके पी आई ओ ते ओ सी आई दा कॉन्सैप्ट 2003 दे सिटीजनशिप एक्ट दे विच इंट्रोड्यूस किया गया, समझाउण दी कोशिश करती। अगे देखो रब आस रहा। नैक्सट उस तो बाद अगे अपने कोल आ गया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आ चीज़ मैं तुहानू सारयां नू दसनी चाहुंदा, नॉन अलाइंड मूवमेंट। मैं कोई बहुत ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना, बिकॉज ये मैं ना जदों तुहानू इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटी तो अगे जाके पढ़ाया तो उहदे च मैं कवर करना ही है ये गल। एक गल याद रखियो 1947 की 15 अगस्त, इस तरीक नू तुसी सारे जानते हो उहदी अहमियत कि भारत आज़ाद होया सी। चलो इदां एक सवाल, एक सवाल पी पी एस सी ने 2021 के पेपर च पुछया सी, 2021 के प्रिंसीपल्स के पेपर च, 21 च नहीं 20 च, कि अंग्रेज़ां ने भारत की आज़ादी की तरीक किन्नी मुकर्रर की हुई सी, जून 1947, जुलाई 1947, जून 1948 के जुलाई 1948, जुलाई 1948। ये पेपर पी सी एस पंजाब के पी पी एस सी के पेपर का सवाल आ, जुलाई 1948। पर हफड़ा दफड़ी उन्होंने एक साल पहला भारत आज़ाद करना पै गया 15 अगस्त 1947। हुण मैं दूजा सवाल तुहानू पुछ रहा जो पी पी एस सी ने जां किसी बोर्ड ने हजे तक नहीं पुछया कि 15 अगस्त ही क्यों चुनी गई, क्योंकि 15 अगस्त वह तरीक सी जिस दिन 15 अगस्त 1945 नूं सैकेंड वर्ल्ड वार च जापान वर्गे खतरनाक देश ने इंग्लैंड अगे सरेंडर करता सी, जां इंग्लैंड फ्रांस ते अमरीका दी जुटबंदी सी जिहड़ी उहदे अगे सरेंडर करता सीगा, ते उह उस तरीक नूं इतिहासक बनाउणा चाहुंदे सी जापान दे सरेंडर वाले दिन नूं। इस करके 15 अगस्त नूं भारत नूं आज़ाद किया गया। जदों भारत आज़ाद होया उस तों बाद तुहानूं पता जिहड़ी सैकेंड वर्ल्ड वार दो धड़े होया सी, एक धड़ा सी जापान जर्मन ते इटली दा, वह तां तबाह हो गया, जापान दा हीरो ही तो नहीं रहा, खत्म हो गया, राजा मर नहीं गया बर्बाद हो गया, जर्मन दा हिटलर बर्बाद हो गया ते मर भी गया, ते इटली दा मुसोलिनी वह भी मर गया। बचे कौन? दूजे पासे वाले चार देश जिहड़े बाद च बहुत खतरनाक भी बने। जिहड़े चार देश सैकेंड वर्ल्ड वार जितते वह चार देश किहड़े सीगे? इंग्लैंड फ्रांस अमरीका ते रशिया, जिन्हों उस टाइम USSR कहिंदे सी। इंग्लैंड फ्रांस भी बेचारे जित तां गए, पर कहिंदे आ ना कि लड़ाई जिन्हां दे घर च होई होवे उह जित के भी बर्बाद हो जांदे आ, इंग्लैंड फ्रांस नाल ते आ बणी। असल दे विच लड़ाई दा फायदा किहड़े दो देशां नूं होया? एक USSR ते एक अमेरिका। दोवें लड़ाई च तां एक पासे सी, पर दोवां दी मत अड सीगी। USSR दी मत सी सोशलिज़म ते USA दी मत किहड़ी सी? कैपिटलिज़म। इन्हां दोवां ने लड़ाई खत्म हुंदे सार ही आपस च लड़ाई शुरू कर ली। 1945 तो लैके 1990 तक ये दोवें लड़े आ। इन्हां दोवां च इंग्लिश च कहिंदे आ कोल्ड वार ते पंजाबी च कहिंदे आ शीत युद्ध होया है। जिहड़े लोग अमरीका दे मगर लग गए वो अपने आप नूं कहिंदे आ पहली दुनिया, फस्ट वर्ल्ड। जिहड़े USSR दे मगर लग गए वो अपने आप नूं की कहिंदे आ? सैकेंड वर्ल्ड। जिहड़े इंडिया वर्गे देश सी उहनां नूं दोवां ने चोगा पाया कि साडे नाल आ जाओ, साडे नाल आ जाओ। इंडिया दे विच फिर गल चली कि किन्नां नाल जाइए, फिर सियाणा बोलिया कि यार 200 साल गुलामी कट के आए हो, हुण भी किसे धड़े बगर मूँह चक के चले जाओगे फिर गुलाम हो जाओगे, किसे हाल ना जाओ, तुसीं बनाओ अपना थर्ड वर्ल्ड। की बनाओ? थर्ड वर्ल्ड। वह कहिंदे साडे वल अलाइन हो जाओ, ये कहिंदे साडे वल अलाइन हो जाओ, इंडिया वाले कहिंदे किसे पासे अलाइन नहीं होना, असी बनावांगे नॉन अलाइंड मूवमेंट। किहड़ी मूवमेंट? नॉन अलाइंड मूवमेंट बनावांगे असी जिहड़ी ये नॉन अलाइंड मूवमेंट बनावांगे। सो ये जिहड़ी नॉन अलाइंड मूवमेंट होगी, ठीक है, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट। देखो असल च पता की आ, ये उन्हां दा पेपर आ मास्टर कैडर वालिआं दा, ते पी उन्हां दा एक इन्हां दा बोर्ड आ जिहड़ा पेपर पाउंदा है, ते की करदे आ इन्हां दा टैलेंट देखो की आ, इंग्लिश च सवाल पाया गूगल च पा के ट्रांसलेट कर लिया। हुण पता कित्थों लगदा कि गूगल च ट्रांसलेट होया? इन्हां ने नॉन अलाइंड दी पंजाबी बनाई आ असहयोग अंदोलन, ते पेपर च ऑफिशियली भी एवें लिखा होया। जबकि जे नॉन अलाइंड दी पंजाबी टैक्नीकल पंजाबी समझिए जो उन्हां दी किताबां च लिखी आउंदी आ, उह आ गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता पंजाबी आ कि गुट निरपेक्ष संगठन। खैर छड्डो आपां उहदी पंजाबी च तां की जाणा। कहिंदे नॉन अलाइंड मूवमेंट उहनां देशां दी मूवमेंट आ। मैं तुहाडे तों चार सवाल भी पुछूंगा इस तों बाद जिहड़े कि तुहाडे पेपरां च आउणगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट दी शुरुआत जिहड़ी आ उह बैंकॉक डैकलरेशन तों होई, फिर बैलग्रेड च मीटिंग होई, पंज देशां ने मिल के नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू कीती, जिहदे च इजिप्ट सी, घाना सी, भारत सी, इंडोनेशिया टाइप, इह चार पंज देश सीगे। इन्हां पंजां देशां दे लीडर जिवें इजिप्ट दा नासिर हो गया, ठीक आ, यूगोसलाव
ਸਾਵੀਏ ਦਾ ਟੀਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਣਾ ਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮਾਹਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਸਿਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਟੀਟੋ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ 51-52 ਦੇ ਰਾਊਂਡ, ਉਸ ਟਾਈਮ 55 ਦੇ ਰਾਊਂਡ, ਉਦੋਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਸੀ ਟੀਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਖੁਰਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ, ਬੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਮਨ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਖੈਰ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ PCS ਨੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ USSR ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1990 'ਚ ਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਮਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਥੱਲੜੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕੋਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਰੱਟ ਲਿਓ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੱਖਣ ਦੱਖਣ ਸਹਿਚਾਰਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਲਾਉਣੀ ਆ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਟਿੱਕ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਜਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 48 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।